बचाने के लिए आपके बच्चे कभी नहर में गिर जाए, गिर जाएंगे सारा गंदगी तो फिर उनका ड्रेस खराब हो जाएगा, वो विद्यालय नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो ये बनने के लिए प्रधान जी को कभी आप लोग अवगत कराते हैं कि नहीं कराते? नहीं, अब तो प्रधान जी आवे ना तो वाला कहिए कहीं हाँ हो जाए, लेकिन सिर्फ आप लोग को आश्वासन देके टोल मटोल कर देते हैं। भाई कहा ना कि हाँ बनवाई, आप लोग नहीं बनता है कहाँ भाई? ग्रामीण हो रहे हैं बहुत परेशान, प्रधान की इतना भी नाकामी है, प्रधान आ चुकी ग्रामीणों के बीच में आते ही नहीं है। जब आते हैं तो ग्रामीण कुछ उनको अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बोलते हैं तो ग्रामीण का समस्या का समाधान भी प्रधान जी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे प्रधान जी को हमारा नमस्कार रहेगा, क्योंकि प्रधान जी ग्रामीणों के बीच में आइएगा और ग्रामीणों का समस्या का समाधान कीजिएगा। वोट के समय में आवा ना प्रधान, तो लोगों से क्या कहा ना वोट लेके रहा था। अच्छा, विकास के लिए बोलते हैं तो ये विकास ऐसा ही विकास होता है आपके? प्रधान होकर नहीं बनाना दुनिया के हम कहा जानेगा। यहाँ पे ग्रामीणों का ये कहना है कि जो भी प्रधान होते हैं सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए होते हैं और ग्रामीणों का समस्या का समाधान करने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ अपना जेब भरा जाता है, इसलिए प्रधान लोग चुने जाते हैं। प्रधान को चुनते टाइम पे ये लोग गरीब असहाय व्यक्ति बोल रहे हैं कि प्रधान जी जब जब इलेक्शन होता है तो आते हैं, घोड़े गिरते हैं कि हम आपका ये कार्य करेंगे वो कार्य करेंगे, लेकिन कार्य को संबंधित कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि ये मुख्य मार्ग ग्रामीणों का मुख्य मार्ग आने के लिए है, यहाँ पे हम भी अपनी बाइक को लेकर आ रहे थे और मेरे रास्ते में इतना गंदगी था और इतना कीचड़ था कि हम लोग भी आने के लिए बहुत नाकामी हम लोग का हो रहा था, परेशानियाँ का बहुत सामना करना पड़ा था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रशांत कुमार, आप सभी लोग देख रहे हैं पब्लिक लाइफ न्यूज। पब्लिक लाइफ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पे चंदौली जिले के साहबगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा वन भीष्मपुर के अंतर्गत ग्राम तेनुई में हम लोग उपस्थित है। यहाँ पे आए थे हम लोग पंचायत भवन पे पंचायत सहायक से मिलने के लिए हम आए थे उपस्थित है। यहाँ पे टाइम इस टाइम पे 9:30 बज रहा है। पंचायत भवन में ना तो पंचायत सहायक हैं ना तो पंचायत मित्र को फ़ोन किए हम, पंचायत मित्र बोलते हैं वो हमारा कार्य नहीं है। यहाँ पे प्रधान जी को फ़ोन करके अवगत कराएं कि ये रास्ता कैसा है, पंचायत भवन पे जाने के लिए रास्ता का मार्ग नहीं अच्छा है। तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि पहले के प्रधान का ये कमियाँ हैं, प्रधान जी अपनी कमी को नहीं बता रहे हैं। आइए, यहाँ पे कुछ ग्रामीणों हैं, ग्रामीणों से हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप दिवाकर है। यहाँ पे ये बताइए, पंचायत भवन जो बना है, पंचायत भवन में ये आने के लिए मार्ग कैसा है आप लोग का? मार्ग बहुत खराब है सर, यहाँ आने जाने के लिए बच्चों को, क्योंकि आए दिन नाली में ये जो नहर है, नहर में बच्चे गिर जाते हैं, इतनी गंदगी भरा है, आने जाने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है रोज़, जो कि कपड़ा खराब हो जाता है गिर जाने से, बच्चे चोटिल हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान प्रधान को हम लोग कई बार अवगत कराई रास्ता बनवाने के लिए, लेकिन इस पे उनका निगाह नहीं गया। प्रधान जी को अवगत कराते हैं तो प्रधान जी आप लोग को आश्वासन क्या देते हैं? आश्वासन देते हैं काम लगवाएंगे, बनवा देंगे, लेकिन बस कहते हैं करते नहीं। खाली करते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं। और प्रधान, ये पंचायत भवन में आप लोग के जो पंचायत सहायक हैं, पंचायत सहायक कभी पंचायत भवन में आती हैं कि नहीं आती हैं? नहीं सर, जब से पंचायत सहायक का जब से नियुक्ति हुआ है आज तक पूरे ग्राम सभा के लोग कभी उनका चेहरा से जब से ये पंचायत भवन बना है, पंचायत भवन में पंचायत सहायक नियुक्ति हुए हैं, तब से पंचायत सहायक आए आज तक पंचायत भवन पर कोई अभी तक देखा भी नहीं, अभी तक कोई देखा नहीं है। पंचायत भवन बना के आप लोग को मतलब क्या निकला है? ग्राम प्रधान को बनवा कर कुछ इसमें आप लोग, ऐसा तो नहीं कि शादी ब्याह का इसमें कार्यक्रम आप लोग का होता है? कोई कार्यक्रम होता नहीं है। सरकार की जो मंशा थी ग्राम सचिवालय बनेगा, गांव का सारा व्यवस्था जो ब्लॉक में लोग जा कर के काम करवाएंगे वो यहाँ जो पंचायत भवन पर उनका काम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार का जो मंशा है सब फेल हो गया है। तो ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन तो ये तो भैंस का तबेला बन चुका है एकदम, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? जो भैंस का तबेला बना है सर, ये प्रधान वर्तमान प्रधान की कमियां हैं, इस पे इनका निगाह नहीं है। आपके प्रधान का नाम क्या है?
इस समय श्री नारायण यादव ताला के वर्तमान प्रधान है। वर्तमान प्रधान है, लेकिन फिर भी इनको ग्रामीणों के बीच में आते हैं कि नहीं आप लोग? ग्रामीणों के बीच में आते हैं, लेकिन उनका फोकस विकास पे बहुत कम रहता है सर। विकास पे फोकस कम रहता है? कम रहता है, कहीं और उलझे रहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राम सकल। यहाँ कितना दिन से तू रहा ला? हम भाई 1963 का जब मूसा खान गाँव का कहा नाम हम ताला चेनी। अच्छा, तो हर का समस्या रहा? समस्या यह है बाबू जी की जब वासपा राज रहर हमारे राम के नाम से आवास आज सरकार, वो भी समझ ले जे गायब हो गए, वो भी आप रेडियो में फंस गए। उसके बाद में यह समस्या फिर सपा सत्ता में माई के नाम से आया दौलापति सनूप के नाम से, वो भी साहब अभरेडी में फंस गया। अब बताएं ये समय ये सब नाम से आवाज जो आया है हाँ, हाँ। ये सब खाया कौन है? खाने वाला तो प्रधान सेक्रेटरी और पंचायत मित्र की, और के खाए वाला है? आपका कहना है कि जो आपको आवास मिलना चाहिए वो प्रधान सेक्रेटरी और पंचायत मित्र के पास? बस खाली यही जो खत्म कर लिया हुआ सरकार, और कोई नहीं हुआ खत्म के लिए। तो आप कहे जो हम इसके बारे में डीएम साहब को अवगत कराए थे क्या? डीएम साहब के देखी जब एदी बारी हमारे बहुन का है जिसमें 3-4 बार गए रहे, डीएम साहब भी चंदौली से आदेश कैले हुए थे कि इनका आवास आवास सेक्रेटरी और प्रधान कहाँ कैले बाटे जे वहाँ से अली वहाँ से डायरेक्ट हमन 5 ठौरा अली जा, 5ों पासबुक और आधार कार्ड ये पंचायत मित्र के हाथों हाथ दहल गए जे कि आवास में 3 बार पंचायत मित्र फोटो और फार्म लेकर के अब रेडिंग फसल ले। ये है बहुत गरीब परिवार के और दलित परिवार से आते हैं, क्योंकि इनका कहानी ये है कि हम अपने कैमरामैन साथी से कहते हैं कि और नजदीकी आके दिखाइए। ये अवगत कराया गया है डीएम साहब को भी अवगत कराया गया है कि इनकी जांच की पुष्टि होना चाहिए, लेकिन इनकी जांच की पुष्टि नहीं हुआ। कारण है कि जो ये गरीब परिवार से थे इसके लिए, और डीएम साहब से हमारा ये निम्न निवेदन है कि यहाँ पे न तो विकास धरातल पे आके देखा जा रहा है, धरातल पे आके देखना चाहिए विकास की यहाँ पे गरीबों की स्थिति क्या है और गरीब किस दर दर भटक रहे हैं अपना पेपर लेके, कि डीएम साहब को अवगत कराया गया, बीडीओ साहब को अवगत कराया गया और एसडीओ सर को भी अवगत कराया गया है। इन लोग पेपर लेके यहाँ तक कि विधायक भी ले जा करके दे ले तो आपके चंदौली जिले में जो बड़े बाबू हो तेर के उनको भी अवगत करा दिए, फिर भी आप दर दर भटक रहे हैं। एकदम हमारा आवास आहुत मा तोरे है जांच करे वाला, अब यहाँ से जांच करके जात बाड़ा और प्रधान अपना घुमा देत बाड़ा, बस यही चल रहा है। 2063 का पास आ रही आ जौन जे की 2005-80 में आज हम तो पूरे परिवार के आवास बन गए, पहले जांच होना चाहिए। यहाँ केवल 15 आदमी को मिला है सरकार जमीन 2063 में मूसा खान बांध से उजर के आयल है जा 1963 में जब आयल है जा तब 15 आदमी के मिलल है जमीन यहाँ बसने के लिए 2-3 बीघा 7 बीघा सरकार जिसमें जेकर जैसा परिवार है वैसा जमीन मिल गया। समझी ना, आप बताइए कि कोई 85 में आयल है, कोई 95 में आयल है, कोई 80 में आयल है, तोने के आवास बन गए। हम जब ये पंचायत मित्र से कले ही तो कहे अरे जो आया है उसको बनेगा, पहले तो उसे नहीं ये चल रहा लग तो पंचायत मतलब तो जो आवास आता है इसमें गोलमाल कर देते हैं। कहा एकदम सरकार एकदम कुछ यहाँ पे महिलाओं हैं, महिलाओं से हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। चाची ये तुम्हारा नाम का है? ये बतावा तुहार पंचायत भवन में कितना दिन से पंचायत भवन बनल है? कितना दिन से बनल है? अच्छा, पंचायत भवन में आवन उ कोनो काम करे खातिर तुहार कुटुंब रजिस्टर का नकल ओकल चाहला? आज हम अइले हो। आज अइलू हो पंचायत सहायक आवनी कि नहीं? पंचायत सहायक नहीं आवनी? नहीं। आइए और लोग हैं बातचीत करना चाहते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अनीता है। आप यहाँ पे कितना दिन से रहती हैं? अरे हम तो बहुत दिन से यहाँ। अच्छा, ये पंचायत भवन जो आप लोग का बना है, जो आप लोग का पंचायत भवन बना है, पंचायत सहायक कभी पंचायत भवन में आती हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग जानते ही नहीं है कि पंचायत सहायक क्या है। आप जानती भी नहीं है? नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप पंचायत भवन में कभी आती ही नहीं, इसके लिए आपको पता नहीं है? नहीं, हम लोग तो आओ दरिया घर हमेशा खराब आप लोग हमेशा आती हैं, लेकिन पंचायत भवन में कौन बैठता है कौन उठता है तो पता ही नहीं? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई आता ही नहीं? नहीं, ताला। आप लोग का छोटा छोटा समस्या रहता है जो अभी चल रहा है, घर घर योजना बन रहा है 5 लाख की, आयुष्मान कार्ड बन रहा है,
वो बनवाने के लिए पंचायत सहायक की अवस्था होती है, उनको पता है कि नहीं कि बन रहा है ग्रामीणों का? अब पता नहीं साहब, नहीं पता तब ना। तो आप लोग कभी सूचना करती हैं उनको? अरे हम जनता ने, अरे सूचना हम लोग आप लोग को पता ही नहीं है कि पंचायत में? यहाँ पे देख लीजिए, एक अजूब सा सरकार है और अजब सा यहाँ पे प्रधान जी हैं। प्रधान जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ पे इस पंचायत भवन में पंचायत सहायक कौन है, एक दिन भी बैठी ही नहीं है। तो पंचायत ग्रामीणों को पता क्या चलेगा कि पंचायत सहायक है कौन? पंचायत सहायक का नाम तक नहीं पता है, क्योंकि पंचायत सहायक एक दिन भी दर्शन भी नहीं दी पंचायत भवन में बैठ करके। तो ग्रामीणों को पता क्या चलेगा कि कौन पंचायत सहायक है कौन क्या है? आइए, और लोग हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। यहाँ पे जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन में आप लोग का काम होता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, प्रधान जी आप लोग का सुनते हैं कि नहीं? आप लोग के बीच में आते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनका ना सुना ना नया। प्रधान जी आप लोग का मामला का हल करने के लिए भी नहीं आते हैं? नहीं। अच्छा, ये जो कच्ची सड़क बनी है पंचायत भवन पे आने के लिए, आप लोग को गाँव जाने के लिए, ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता कीचड़ा है, मार गंदगी है, वो लड़की लड़का आदमी आओ तो चक्का से गिर जाते हैं, वही दूल्हा फेंका जाते हैं, तो बनवा के नहीं चाहिए प्रधान की। तो अच्छा, तो लोग प्रधान से कब कह हमन का गांव वाला रास्ता खराब है, मेन मार्ग हमन का मेन आवागमन वही रास्ते से है। हाँ। तो प्रधान जी तो लोगन के का आश्वासन देना? हमन तो कही ला जा, जब सुना तब ना कहीं बने फिर आदमी कहा ना बनी, फिर बोलते है नहीं बनेगा। आइए, और लोग हैं, बातचीत करना चाहते हैं। चाचा आपका परिचय बताइए, तुम्हारा नाम कहा? विद्याशंकर। ये बताओ, तुम्हारे पंचायत भवन है, ग्राम सभा का तो लोग पंचायत भवन है, पंचायत भवन का मार्ग आवे जाए वाला रास्ता कैसा है? खराब है। हमको तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है रास्ता, पक्की रोड बना हुआ है। देखिए पक्की रोड पर ये भर के घास लगा है, रोड है जो बनवाए जा रहा है, पक्की रोड आके कच्ची रोड है, पुलिया बनवाए जा रही है, रास्ता है नहीं देना जच्चा भी हमक सुजन प्रधान असर है कि जाए करके इतना चरौरी कैला से बनो नहीं पर कहां से कोई के आमन का माल हो बस कुछ। यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं अपने कैमरामैन साथियों से, ये देखिए नहर है, इस नहर से बच्चे आते जाते हैं पढ़ने के लिए, ये भले से नहर में गिर जाए लेकिन प्रधान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और आज़ादी को हो गया 70 साल, 70 साल हो गया आज़ाद देश को, आज़ाद हो करके भी ये आज़ादी का इस गांव का मामला ऐसा है कि यहाँ पे ना तो सड़क है, ना तो रोड है, ना तो बिजली है, ना तो कोई साधन है यहाँ पे। ये ग्रामीण हो रहे हैं बहुत तंग, क्योंकि इनके बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं विद्यालय, विद्यालय में जाते हैं और पढ़ाई करने के लिए उन लोग का हो जाता है एड्रेस खराब और विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हम प्रधान जी से यही अपने डीएम साहब से निम्न निवेदन करेंगे कि इस गांव की भली भांति पुष्टि होना चाहिए कि ग्रामीणों की समस्या के लिए कोई सरकारी कर्मचारी व्यक्ति आते हैं यहां पे तो ये लोग सिर्फ ऊपर ऊपर पुष्टि करके चले जाते हैं और यहां पे ग्रामीणों के बीच में ग्रामीणों से मिल करके कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं कि ग्रामीणों से मिल के कि आश्वासन दे ग्रामीणों को, ग्रामीणों का कार्य का पुष्टि होना चाहिए।